होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है, अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। केस क्या है, क्या किया तुम लोगों ने? एक आदमी का खून। लाल सिंह से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! अरे चिल्ला क्या रहा है, वो भी इसके सामने। इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। कोई है? अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये पांच बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहां एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम, मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। यह कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह, आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है।
अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। रास्कल, लकी रास्कल, बच्चा साला, कैसे, कैसे? सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह थैंक यू। Chief Minister. गाड़ी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी? करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो, ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को, इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आज़ादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर? एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीबियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीबियां ढूंढें। पंजाब के पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत,
सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सके। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर? अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? अफसोस करने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। मासूम को? What the hell, मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था। अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, पर मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धर से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा सर। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे साले को मिले। अरे तेरे को भी मैं मारूंगा। मेरे भाई को मारा। हेलो जिंदाल साहब। हाँ बोलो इंदर। पता चल गया, ये उलझन हम सबकी थी ना कि आखिर गुड्डी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो आकाश के कातिलों के बारे में जान गई। कौन सी ऐसी चीज थी? दरअसल उसके हाथ आकाश का वो पेन कैप लग गया था, तभी तो वो देवा को फोन करके बता रही थी बेचारी।
भाई तो मरा मरा, भाई के चक्कर में बहना भी मारी गई और मरते मरते आकाश की मौत का आखिरी सबूत भी हमारे हाथ दे गई। अब आकाश और गुड्डी की मौत पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बन के रह जाएगी। और जिंदाल साहब, जिस दिन से मैंने मेरे भाई फिलास की लाश को देखा है, मेरे अंदर जो आग लगी है आज जाके बुझवाई है। और वो हेलो तेरा ये नया चेहरा कितना घिनौना लग रहा है इंदर। देवा, देख देख देवा, देख देवा, मुझे हाथ पर लगाना, तुझे बाबूजी की कसम, तुझे अम्मा की कसम, देख तेरा जीजा हूं मैं। ये ले, ये क्या? ये मिंडी। अच्छा है जिंदाल साहब को अब कुछ तो समझ में आया होगा। ए भाई, फोन लगा जिंदाल साहब को? जी हाँ, लग गया हुजूर। हेलो जी साहब। हाँ साहब से बात कराओ। साहब बंगले पर नहीं है। बंगले पर नहीं है जी? तो किधर गए? पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? मालूम नहीं, कल इंदर साहब से बात हुई थी तब से उधर ही है। जिंदाल साहब भी बस वापस इंदर सक्सेना की घुस कर बैठे हुए होंगे, उनका तो दिमाग खराब हो गया है। ए गिलास दे। काप क्यों रहा है खान? मौत का खेल तो शौक है ना तेरा? देवा मैं, तूने तो इस शहर में लोगों को खुले आम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? डर लग रहा है तो दौड़, अगर दौड़ तुझे तेरी मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़ 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 खान, दौड़ दौड़।
बशारत खान, तू वही बशारत खान है ना जिसने मुझ जैसी अंधी औरतों और लाचार बच्चों के हाथ जहर से रख दिए। जाने कितनी मौतों का सहरा बंधा है तेरे सर। अरे इन्हीं लोगों के घरों को बर्बाद करके आज खुद को इनका भाई बता रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं इसे पनाह मत दो, मत दो इसे पनाह। ये एक अपराधी है अपराधी, और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ऐसे शैतान को जिंदगी से निजात दिला देनी चाहिए, और खुदा भी यही चाहता है। देवा ये भी तेरी अदालत है, इंसाफ कर देवा, इंसाफ कर। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। गोलियों के जख्मों की वजह से इनके शरीर में जहर फैलता जा रहा है। इन जख्मों को साफ करने के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिसके लिए हॉस्पिटल जाकर मुझे कुछ चीजें और दवाइयां खुद जाकर लानी पड़ेंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मगर तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए आप प्लीज यहां बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिस्टर। देखिए जितना भी ऑपरेशन का सामान, ये दवाइयाँ, ये इक्विपमेंट है ना, सबको दो मिनट में पैक कर देना है। जी अभी लाया। मैं भी आया। हेलो, कैन आई स्पीक टू एसीपी इंद्र सक्सेना प्लीज? बोल रहा हूँ। देखिए मैं डॉक्टर राणे बोल रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल से। जी हाँ, देखिए मैं जानता हूँ कि देवा ने सीएम साहब को कहाँ रखा है। वो मालवनी विलेज है ना, उसके पास वो पुराना किला है, उसके पास। जी हाँ, देखिए सीएम साहब की हालत बहुत खराब है, उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। जी हाँ, वो बच सकते हैं और देवा भी उन्हें बचाना चाहता है। ओके सर। जिंदाल साहब, दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, पहले कौन सी सुनेंगे? कान तरस गए अच्छी खबर सुनने के लिए, पहले अच्छी सुनाओ। देवा जिस जगह पर छिपा है उस जगह का ठिकाना हम सबको मिल चुका है। सीएम साहब अभी भी जिंदा हैं और देवा उन्हें बचाना चाहता है। देवा, देवा, देवा कहाँ है? कोई तो बताओ देवा कहाँ है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, कहाँ है? We'll be right back.
देवपुरा के लोगों, इस बस्ती को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। अगर किसी ने देवा से वफादारी निभाने की भूल की या फिर इस ऑपरेशन के दौरान किसी ने अपना सर उठाने की जुर्रत की तो उसको दुनिया से उठा दिया जाएगा। फ्रंट पुलिस फोर्स मूव मूव। देवा, ए देवा, बुजदिल साले, अरे देवपुरा के कौन से बिल में छिपा है तू? अरे बाहर आता है या उसी बिल में मैं तेरी कब्र बना दूं।